हे गाइस, वेलकम टू फूड लव। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर की सब्जी। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में अक्सर पालक बहुत बनता है। मैंने इसे बहुत आसान तरीके से बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। एक पैन गरम कर ले और उसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल को गरम होने दें। देखिए, चेक कर लें हाथ से। उसके बाद एक लाल मिर्ची डालें, आप कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं, और 2 हरी मिर्ची डालें और हरी मिर्ची को बीच में से काट लें। बीच में से काटने से जो मिर्ची होती है वो चटकती नहीं है, तो बीच में से काट लें और फिर डालें। अब इन मिर्चियों को हम थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। सो इसे थोड़ी देर तक होने दें, चला लें। अब मैंने यहाँ पे करीब आधा छोटा चम्मच जीरा लिया है, जीरे को चटकने दें। और मैंने यहाँ पे 3/4 कप प्याज ली है, जो करीब 2 मीडियम साइज की प्याज है, उन्हें बारीक काट लिया है। अब मैं इसको भूनूंगी जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाती। तो अनियन को तब तक भूने जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाती। इसे ब्राउन होने में करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो आप इसे भून लें अच्छे से। प्याज को भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने 3 छोटे चम्मच कसा हुआ लहसुन डाला है। इसे भून लेंगे अच्छे से। इसे तब तक भूनें जब तक आपको गार्लिक का एक अच्छा सा अरोमा फील ना हो। गार्लिक जब भूनता है तो उसकी बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो आप इसे तब तक भूनें जब तक गार्लिक की अच्छी सी स्मेल ना आने लगे। करीब 1 मिनट लगेगा उसमें। तो देखिए, हमारा गार्लिक भी भून चुका है और आप कलर भी देख सकते हैं, कितना अच्छा ब्राउन आया है। अब मैंने यहाँ एक बड़े टमाटर को काट लिया है, बहुत बारीक काट लिया है। आप चाहे तो प्यूरी भी डाल सकते हैं टमाटर की। मिला लेंगे इन सबको हम अच्छे से। मसालों में मैंने यह आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा लाल मिर्च डालें, नमक डालें स्वाद अनुसार। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिला लें अब अच्छे से और इसे तब तक पकाएं जब तक कि ये जो ग्रेवी है गाढ़ी ना हो जाए, खट्टी होने लगे और ऑयल भी छोड़ने लगे। जब भी ग्रेवी खट्टी होने लगती है तो इसका मतलब है कि ग्रेवी बन चुकी है और साथ ही साथ वो ऑयल भी छोड़ने लगती है। तो ये देखिए, जब तक ग्रेवी बन रही है तब तक हम पालक को उबाल लेते हैं। उसमें नमक डाल के उसे उबाल लें। तो जब तक हमारी ग्रेवी बन रही है तब तक हमें पालक उबाल लेते हैं। इसे 2-3 मिनट तक उबालें। 2-3 मिनट में ये आराम से उबल जाती है। तो ये देखिए, 2-3 मिनट बाद ये अच्छे से उबल गई है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसको ब्लेंड कर लें मिक्सचर में, इसकी प्यूरी बना लें। जब तक आप ये सब करेंगे, आपकी जो टमाटर की ग्रेवी है वो बन चुकी है। ये देखिए, बन गई है। अब मैंने यहाँ पे पालक की ग्रेवी इसमें ऐड कर दी है, पालक की प्यूरी जो हमने बनाई थी। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें। आप ये उसी मिक्सचर में पानी डाल के कर सकते हैं, तो बचा कुचा जो भी पालक की प्यूरी है वो भी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, करीब आधी कटोरी आप पानी डालें। मिला लें सबको अच्छे से और इसे पकाएं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पे आप 1/4 चम्मच गरम मसाला डालें। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा मसालेदार पसंद है तो। 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर डालें और थोड़ी सी हरी मिर्च डालें। आप तीखा भी अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैंने 125 ग्राम पनीर को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, आपको जैसे भी पसंद हो उस शेप में आप पनीर को काट के डालें। मुझे छोटा छोटा पसंद है इसलिए मैंने इसको छोटा छोटा काटा है। मिला लें सबको अच्छे से और इसे हल्की गैस पे करीब 5 मिनट तक पकाएं। इसे मिला के अच्छे से आप चाहे तो इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लें। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि पालक का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये आपकी मतलब सब्जी बन गई है। तो आप देख सकते हैं हमारा पालक पनीर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और फूड लव को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।